वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैथमेटिक्स टू फाइनेंस में हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी पर हैं और इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट इसे पहले वाले क्लासेस हमने डिस्कस कर लिया है। आज बस हमें क्वेश्चंस को देखने कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं और क्वेश्चनों पे काम करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इससे पीछे वाली वीडियो को आप जरूर देखें और आइए सीधा अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ पर फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ऑफ रेट 100 रुपीज पर एनम, कि आपका जो है 100 रुपए पर एनम आपका दिया जा रहा है। अज्यूम टू बी द पेबल द कंटिन्यूसली फॉर द 10 ईयर्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। हमेशा ध्यान रखना, कभी कंटिन्यूसली वर्ड आ जाए तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी की कैसे निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको एनुटी की निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, एस मतलब के जो आप बेसिकली इसको आर बोलते हैं, जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, 1 - e^i (t)/i। इस तरीके से आप निकालेंगे, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपके पास में यहां पर इंस्टॉलमेंट मतलब कि आर, आर क्या है आपका 100 रुपीज है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके पास में, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली जो है वो है 4%, जो कि आई के फॉर्म में डेसिमल में ले आओगे इसको तो 0.04 आपका आ गया पर एनम। अब आप इसको अप्लाई करोगे परसेंट वैल्यू को फाइंड करने के लिए तो आपके पास में आर क्या हो गया 100 - e^i, आई के हमारे पास में 0.04 और इनटू टी, टी कितने साल है हमारे पास में 10 साल है, और अपॉन 0.04 आई। सॉल्व करते हैं, पी इक्वल्स टू 100, साथ साथ आप भी करते जाएं, जिसको लगता है वो कर लेंगे तो वो फास्ट कैलकुलेट करें, मेरे को समझाना है तो मैं उस स्पीड से बताऊंगा आपको। e^i आपके पास पे क्या जाएगा 0.4, क्योंकि आप 10 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, और अपॉन 0.04। तो आइए पी इक्वल्स टू 100 एंड आप e की वैल्यू निकालेंगे, 1 - e^i, आपके पास पे टेबल है, टेबल से आप e की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। E की वैल्यू आपके पास में, E की वैल्यू 0.4 पे क्या होगा, तो E की वैल्यू 0.4 पे होगा 1.0408, ठीक है जी, और आपके पास में आ गया 0.04। P इक्वल्स टू 100 और आप 1 में से माइनस करेंगे, 1 - 1.0408 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास में वैल्यूज कुछ, ये तो नेगेटिव आ जाएगी, चलो देखते हैं 0.04। कुछ वैल्यू नेगेटिव चल रही है, तो e^i देख लेते हैं, e^i 0.04, इसका फॉर्मूला तो ये रहता है 1 - r^2, एक सेकेंड, सॉरी एक गड़बड़ कर दी हमने, गड़बड़ क्या करा हमने, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं ना एनुटी की, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो यहां पर ये माइनस का आएगा पावर में, ये माइनस का आएगा, ठीक है जी, ये माइनस का होगा,
अब सॉल्व करते हैं, 1 माइनस e रेस्ट टू पावर माइनस में 0.04 पर क्या होगा, 0.96079, 0.96079 अपॉन 0.04 ये रहेगा आपका। अब चाहिए सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 0.96074 डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 100 तो क्या है आपके पास में, वैल्यू कुछ नहीं, कुछ तो है, पहले ई की वैल्यू माइनस एक्स में है 4 पे, यहां पर गड़बड़ करी है हमने क्या, ई की वैल्यू को रिप्लेस करने में, पी बस हल्का सा मिस्टेक हो गया देखने में, 1 माइनस e रेस्ट टू पावर माइनस 0.04 नहीं है 0.4 है, तो यहां पर e रेस्ट टू पावर 0.4 यह है 770 32, 0.40 पे 670 32, 670 32 अपॉन 0.04 अब सही आएगा आपका, क्लियर है जी, ई की वैल्यू गलत रिप्लेस हुई थी। सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0.67 7032 डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 100 ये आपका करेक्ट आंसर है, 807.72% वैल्यू ये आपका आंसर है। बस एक गड़बड़ हो रही थी क्या, ए की वैल्यू ये फॉर्मूले में आपका माइनस में होता है और हम 0.04 पे गलती से देख रहे थे, 0.40 पे देखते हैं, क्लियर है। इसकी मैं एक शीट बना रहा हूं कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीच बीच में आ रहा है अलग से क्लासेस पे, प्रेजेंट वैल्यू पास्ट वैल्यू इन सब में कैसे करते हैं। बेसिकली आपको एग्जाम में तो इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में क्या है, e रेस्ट टू पावर माइनस 0.4 है ना, तो इसको आपको x के इक्वल रखना पड़ेगा, क्या इसको x के इक्वल रखना पड़ेगा, बोथ साइड आपको log लेना पड़ेगा और माइनस 0.4 और आपके पास में log e आ जाएगा, क्लियर है। देन log e की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे, मेरी बात समझे, तो log x इक्वल्स टू log e की वैल्यू क्या होती है वो रिप्लेस करके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एंटी लॉग ऑफ वैल्यू निकालेंगे, देन एक्स की वैल्यू आएगी, फिर वो रिप्लेस करेंगे, पेपर में पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, बट वो एक अलग क्लास होगी आपकी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू से कैसे आपको निकालना है, अभी फिर आप कॉन्सेप्ट को छोड़ देंगे। क्लियर है जी,
क्लियर है? क्योंकि आपको एग्जाम्स में किस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा वो आपको इस वैल्यूज को दिखाना पड़ेगा आपको एक्स के इक्वल, कि एक्स इक्वल्स टू 0.4 माइनस लॉग ई, और फिर एक्स लॉग एक्स दोनों तरफ आएगा ना, लॉग एक्स इक्वल्स टू आपके पास में माइनस 0.4 इंटू 0.4342, लॉग ई की वैल्यू रिप्लेस करोगे आप, फिर आप लॉग एक्स इक्वल्स टू आप ये वैल्यू फाइंड करोगे, फिर एंटी लॉग ऑफ दिस निकालोगे एंड एक्स की वैल्यू आएगी वही लॉग आपके ई रिस्ट पावर 0.4 होगा, पेपर में दिखाना पड़ेगा आपको। चलिए पहले इस सवाल पर आते हैं, बाद में हम आएंगे और ई के ऊपर प्रॉपर काम करेंगे, ठीक है। एन इक्विपमेंट इज परचेज्ड ऑन एन इंस्टॉलमेंट बेसिस सच दैट द 5,000 रुपीज इज टू बी पेड ऑन द थिंकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट योर ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ रेट 3,000 रुपीज ईच पेबल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड द फोर्थ ईयर, 4 साल चला ऐसा। इफ इंटरेस्ट इज चार्ज द 5% पर एनम व्हाट विल बी द कैश डाउन प्राइस। तो सवाल यह है कि एक इक्विपमेंट है इज अ परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस सच दैट द 5,000 रुपीज इज टू बी पेड ऑन द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड योर 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट इज दिस। मतलब कि आप कोई सामान खरीदने गए हैं और आपने स्टार्टिंग में ही 5,000 रुपये पे कर दिया और 4 साल तक हर साल आप 3,000 रुपये इंस्टॉलमेंट भरते रहे 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर उस चीज को इंस्टॉलमेंट पे ना खरीद करके अगर आप कैश में खरीदते तो चीज कितने की पड़ती। क्वेश्चन समझिएगा, एक सामान खरीदने गए आपने डाउन पेमेंट कर दिया 5,000 रुपये और बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस था उसका इंस्टॉलमेंट कर लिया आपने 3,000 रुपये का 4 साल के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो अगर आप उसका इंस्टॉलमेंट नहीं करते पूरा का पूरा कैश में खरीदते तो वो कितने का पड़ता, तो आपको इसका क्या निकालना है, ये एक एनुटी हो गया ना कि 5,000 रुपये इक्वल इंटरवल पर है और इसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको आप जरा सॉल्व करेंगे एक बार, ट्राई देंगे अपना, करें जरा एक बार। करें देखिए, चलिए मैं बता देता हूं, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना। मैं देखिए बच्चे, तो आपको कैश में कितने का पड़ता, सबसे पहले तो 5,000 रुपये तो आपने डाउन पेमेंट कर ही दिया तो इसमें तो आपको कोई इंटरेस्ट लगा ही नहीं, क्लियर है। मैं यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अगर आप देखेंगे 3,000 रुपये 4 साल तक भरा तो 12,000 रुपये मैंने पे करा है, लेकिन मैंने इस हर इंस्टॉलमेंट में मेरा इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे हम, 5,000 तो ये हो गया विदाउट इंटरेस्ट, उसका प्राइस ये है, उसका कैश प्राइस क्या है, प्लस हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ किसके निकाल लेते हैं इसके। तो प्रेजेंट वैल्यू पी इक्वल्स टू अगर आप निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू तो एस ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस i रेज टू पावर माइनस n अपॉन i, ये होगा इसका, ठीक है। तो यहां पर प्रेजेंट वैल्यू आपका ईच इंस्टॉलमेंट कितने का जा रहा है, ईच इंस्टॉलमेंट आपका 3,000 रुपए का जा रहा है और यहां पर 1 माइनस अब 1 प्लस आपके आई तो 5% है तो आपके पास में 1 प्लस 0.05, क्लियर है, और अपॉन में 0.05 और रेस्ट टू पावर माइनस एन, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए जा रहा है। तो P इक्वल्स टू 3,000, मैं जो इंस्टॉलमेंट गया उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं कि विदाउट इंटरेस्ट वो कितने का रहेगा। तो 1 माइनस सॉल्व करेंगे 1.05 रेस टू माइनस का आएगा -4 अपॉन 0.05, क्लियर है जी। तो आपको अब इसकी वैल्यू निकालनी है, पेपर में दिखाना पड़ता है आपको क्या कि आपको ये नहीं पता कि 1.05, खैर छोटी वैल्यू है कैलकुलेटर में निकाल सकते हो आप -4, अगर आपको नहीं मालूम तो इसको आप एक्स के इक्वल कंसीडर कर लो, दिखाना पड़ेगा आपको, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय लॉग, तो लॉग से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 इंटू लॉग 1.05 हो गया, क्लियर है जी। और इसके बाद सॉल्व करेंगे आप तो आपका आएगा लॉग एक्स इक्वल्स टू -4 और आपको लॉग टेबल जरूर मिलेगी एग्जाम में, जरूर मिलेगा आपको।
तो आपका 10 पे 5 देख लेना है लॉग टेबल में आपको कि 10 पे 5 क्या रहता है। ये एंटी लॉग है, ये लॉग टेबल है। तो 10 पे 5 हो गया आपका 0212 इंटू 0.0212, ये आ गया। सॉल्व करेंगे आप लॉग एक्स इक्वल्स टू, इसको -4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0.0212 इंटू 4, तो क्या आ गया आपके पास -0.0848। क्लियर है? एंड एक्स इक्वल्स टू आपको यहां पर आपका एंटी लॉग आ जाएगा, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, एंटी लॉग आ जाएगा -0.0848। क्लियर है? अब ये वैल्यू कैसे होगी, अब एंटी लॉग निकालना सिखा रखा है मैंने, आप उस प्रोसेस चलाइए, बट वहां पे आप कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए मैं कहता हूँ कैलकुलेटर का आप हेल्प ले लेंगे। और आपको सिखाया है अच्छे से मैंने क्या कि आपका 1.05 की कौन सी वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू जो पावर माइनस में हो, तो आप डिवाइड करेंगे और आपके पावर 4 है, तो ये इक्वल जब तक दबाएंगे तक यहाँ पर 6 लिखा हुआ नहीं आ जाए यहाँ पर, तो ये आप करते रहेंगे, सॉरी ज्यादा हो गए, 1.05 डिवाइड, तो ये बेसिकली आपका इसका रिजल्ट क्या रहा, एक्स इक्वल्स टू 0.82270। क्लियर है जी, समझ गए? तो ये अब आपको समझ में आ गया, तो आगे आप इसको क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू आप आगे क्वेश्चन को अपने करेंगे, कैसे, पी इक्वल्स टू 3001 माइनस, और इसकी वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे 0.82270 अपॉन 0.05 दिस वन। तो यहां से आप कैलकुलेटर का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे आप 1 माइनस 0.82270, क्लियर है, और डिवाइडेड बाय 0.05, तो आपके पास में क्या आया, 3.546। क्लियर है जी, समझे? और इसको मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे आप, 3000, तो पी इक्वल्स टू क्या है आपका, 10638। तो जो आप 3000 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, जो कि 12000 का भुगतान कर रहे हैं ब्याज की वजह से, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट में ब्याज जुड़ रहा है, लेकिन अगर आप उनमें से इंटरेस्ट हटा दें, उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें, तो वो आपका जो है 10638 रुपए बनेगा। तो आपको फिर कैश में लेते हो तो एक तो 5000 रुपये आपने वो दिया था वो, प्लस आपको ये वाली पेमेंट भी करनी पड़ेगी जो आपने उससे बोरो लिया था, बोरो किया था, तो आपको कितना गया, 15638 रुपये में वो सामान कैश में आपका पड़ेगा। क्लियर है जी, बात समझे, कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर एक्स पेड अ लोन इन 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बना रखा है, मतलब कि हर 3 महीने में एक इंस्टॉलमेंट जा रहा है, रेट 5000 रुपीज ईच एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, हर 30 महीने के अंत में वो 5000 रुपए का किस्त का भुगतान करता है, और ऐसे वो 8 क्वार्टर में पे कर रहा है क्वार्टर, एंड द फाइनल पेमेंट ऑफ रेट 4000 रुपीज एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। क्लियर है? और आपका जो है नेक्स्ट क्वार्टर एंड फाइनल पेमेंट ऑफ द 4000 रुपीज एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, फाइंड द इनिशियल लोन टेकन इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड द टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन। सवाल बताना है आपको कि उसने कितना पैसा उधार लिया और उस पर कितना ब्याज दिया, दो बात बतानी है, जरा दोनों बात आप बताएं। सवाल को समझे, वो 8 क्वार्टर तक तो वो क्या करता है, वो इंस्टॉलमेंट में बना हुआ है, 8 क्वार्टर तक वो 5000 के इंस्टॉलमेंट पड़ता है, लेकिन वो फाइनल नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब कि
वो नौवें क्वार्टर में जाकर के बोलता भैया आपका 4,000 रुपए लो और कहानी खत्म करो। क्लियर है? चलिए करिए, करेंगे, सोचेंगे, थोड़ा सोचे विचारे, कुछ इक्वेशन तक आप कुछ डेवलप कर लीजिए, सॉल्यूशन तो होता रहेगा। देखिए बच्चे, सवाल को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं 8 क्वार्टर तक तो मैं 5,000 रुपए की पेमेंट कर रहा हूं, तो आपको मालूम है क्या रेगुलर इंटरवल है, मतलब इक्वल गैप है क्वार्टर क्वार्टर का, मतलब कि आपका 3-3 महीने का गैप है 8, तो यहां पर आपको मालूम है। और दूसरा मैं फिक्स अमाउंट है 5,000 रुपए और 8 क्वार्टर एक एनवी फिक्स है, तो यहां पर तो एनुटी का सवाल आ गया। लेकिन जब मैं हर क्वार्टर में, आप पहले मेरी बात को समझिए कि सवाल क्या है, क्लियर है? सवाल यह है कि मैं आपसे एक लोन लेकर के आता हूं, ठीक है? अभी कितना मैंने आपसे लोन लिया ये क्वेश्चन मार्क है, यही बताना है। आपसे कुछ पैसा उधार लिया और बात क्या तय हुई कि मैं आपको हर क्वार्टर में आपको 5,000 रुपए में इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट आपको पे करूंगा, विद इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, जो कि 5,000 रुपए बनेगा और हर क्वार्टर में मैं आपको ये पे करने वाला हूं। तो ऐसे मैं 8 क्वार्टर तक आपका पेमेंट करता आया, तो यहां पर 8 क्वार्टर तक तो आप देख पा रहे हो कि रेगुलर टाइम पीरियड है, एक फिक्स अमाउंट है, तो यहां पर तो एक एनुटी का सवाल आ गया। तो अगर मैं आपसे कितना मैंने लोन लिया तो वो मुझे कब मालूम पड़ेगा, जब मैंने आपको भुगतान किया, जो मैंने आपको पे करा, उसमें से अगर मैं इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दूं तो ये पता लग जाएगा कि मैंने आपसे कितना लोन लिया। ये बात समझ में आ गया। लेकिन 8 क्वार्टर के बाद एक जो अमाउंट है मेरा वो चेंज हो गया, वो 5,000 से क्या आ गया, वो 4,000 रुपए पर आ गया। तो 4,000 रुपए मेरा जो है एनुटी का क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है? क्योंकि मैं 9वें क्वार्टर में 4,000 रुपए का आपको फाइनल पेमेंट कर करके और अपना लोन खत्म कर रहा हूं आपसे, तो मेरा एनुटी का क्वेश्चन सिर्फ 8 क्वार्टर तक है, क्योंकि यहीं तक फिक्स अमाउंट है। मेरी बात को आप समझिएगा। तो मैं एक काम कर सकता हूं यहां पर, आप समझिएगा कि दो चीजें इसमें जुड़ी हुई है, क्लियर है? सबसे पहले एनुटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको देखूं और मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, प्रेजेंट वैल्यू, तो मेरे पास में सबसे पहले इंस्टॉलमेंट क्या है, आर इक्वल्स टू 5,000 रुपीज है, लिखना सब कुछ जरूरी है, ठीक है? और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या है, 12% है, क्लियर है? और इसके बाद मेरे पास में एन, 8 क्वार्टर की बात हो रहा है ना, और पेमेंट कैसा है आपका, आपका पेमेंट क्वार्टरली है, तो मतलब कि आपका 8 क्वार्टर हो गया। दूसरी बात, क्वार्टरली मतलब क्या होता है, 3 मंथ डिवाइडेड बाय 12, तो क्या हो गया आपका 1/4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3%, और 3% को अगर मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा तो 0.03 हो जाएगा। क्लियर है जी, बात समझे? दूसरी बात एक ये भी है कि मैं 9 क्वार्टर के बाद आपको 4,000 रुपीज का फाइनल पेमेंट भी कर रहा हूं, तो ये एक लमसम अमाउंट हो गया कि जो मैं आपको 4,000 रुपए 9 के, ये कोई एनुटी का क्वेश्चन नहीं है। एनुटी क्वेश्चन वो होता है जो कि आपका एक इंस्टॉलमेंट चलता आ रहा होता है, ये कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। 9वें महीने मैंने आपको 4,000 दे दिए, तो मैं इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता हूं। इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों का देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसमें से इंटरेस्ट एक्सक्लूड करते हैं हम सबसे पहले, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5,000 रुपीज ब्रैकेट 1 - 1 + आई मतलब कि आप पहले फॉर्मल लिख देते हैं इसका, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एस ब्रैकेट या फिर इंस्टॉलमेंट ब्रैकेट 1 - 1 + आई रेस्टू -n अपॉन आई दिस वन। और ये आपका 9वें क्वार्टर में 4,000 रुपए की पेमेंट हुआ है, तो इसको 9 क्वार्टर तक इस पे इंटरेस्ट लगा हुआ ना, तो इसके मैं क्या निकाल रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू में इसके निकाल रहा हूँ। तो इसके प्रेजेंट वैल्यू में कैसे निकालूंगा वो देखेंगे आप। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एस क्लियर है ब्रैकेट 1 + आई और रेस्टू पावर -n। इसकी प्रेजेंट वैल्यू का डायरेक्ट आपके पास पे ये फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है?
तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट एक्सक्लूड करता हूं तो मेरे पास में इंस्टॉलमेंट कितना है, 5,000 रुपए है, क्लियर है। 1 माइनस 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.03 माइनस एन माइनस 8 अपॉन 0.03, क्लियर है। और प्लस इसमें से इंटरेस्ट एक्सक्लूड हो गया, सारे इंस्टॉलमेंट में से प्रेजेंट वैल्यू आ गई, प्लस इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 9 महीने 9 क्वार्टर पहले इस इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो गया हमारे पास में 4000 ब्रैकेट 1 प्लस 0.03 और रेस टू पावर 9, क्लियर है जी। अब आप बताइए जरा ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में छोटे छोटे डिटेल्स है क्वेश्चन के अंदर, अब आपको ये सॉल्व करना है तो आपको पूरा प्रोसीजर जो पहले बता चुका हूं ऑलरेडी आप उसको फॉलो करें। 5000 वन माइनस, अब सॉल्व करेंगे अगर आप 1.03 डिवाइडेड बाय 0.78940 अपॉन 0.03 प्लस 4000 1.03 11 बार करना है 0.76641, क्लियर है। अब सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0.78440 डिवाइडेड बाय 0.03 इंटू 5000, तो कितना आया मेरे पास में 35,933.33 प्लस, यहां करते हैं 0.76641 इंटू 4000, तो कितना बना हमारे यहां पर 3,065, इतना ही बनता है। अब इसमें ऐड कर दो आप 35,933.33, कितना बना आपका 38,000, ये आपका लोन है आपका, क्लियर है जी, समझ गए। ₹38,164.78 35,093 है ये है, क्लियर है। 35,093 सॉल्व करेंगे प्लस 3,065.64 तो 38,158.97, क्लियर है जी। तो ये आपने क्या करा, ये आपने लोन लिया है, बात समझे, ये आपने लोन लिया था और आपने पूरी पेमेंट कितनी कर दी, आपने पेमेंट कितनी करी, एक तो 5,000 रुपए कि आपने 8 इंस्टॉलमेंट 40,000 रुपए तो आपने बच्चे ये पे कर दिया, प्लस आपने 4,000 रुपए ये एक पे कर दिया, तो कुल मिलाकर के आपने 44,000 रुपए की पेमेंट करी, जबकि उधार कर्जा इतना लिया था, पेमेंट इतनी गई, तो जो डिफरेंस है वो आपने क्या पे करा, वो आपने इंटरेस्ट पे करा, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए परचेज आर टेलीविजन पेइंग द रेट 5,000 रुपीज डाउन एंड प्रोमिसिंग टू, देखिए 5,000 रुपए डाउन पे कर दिया एंड प्रोमिसिंग टू पे 200 रुपीज एवरी 3 मंथ फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, मतलब हर 3 महीने में क्वार्टरली पेमेंट कर रहा है, तो हर 3 महीने में पे कर रहा है, तो साल में 4 बार पे करेगा और 4 साल में 16 बार पे कर देगा। द सेलर चार्ज इंटरेस्ट एट द 8% पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली, 8% तो ये तो एनुअली है, इसको आपको क्वार्टरली कन्वर्ट करना पड़ेगा। वट इज द कैश प्राइस ऑफ द टेलीविजन, हो चुका हमारा ऐसा सवाल, अब एक बार ट्राई करें फिर इसका इसके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन डाला नहीं इसमें, हाँ वही क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन इफ ए मिस। चलिए पहले आप इसको करें फिर सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे, जल्दी ट्राई करो इसको, आज हम फिनिश कर लेंगे। डन, चलिए जरा इस क्वेश्चन में देखें। ए परचेज अ टेलीविजन पेइंग द 5,000 रुपीज डाउन पेमेंट, भैया 5,000 रुपए तो डाउन पेमेंट हो गया, ये तो दिया ही दिया है, बल्कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये तो स्टार्टिंग में दे दिया। एंड द प्रॉमिस टू पे 200 रुपीज एवरी 3 मंथ, जो कि इंस्टॉलमेंट है वो है 200 रुपीज क्वार्टरली, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है वो है 8%, जबकि आपका जो है हर 3 मंथ में चार्ज हो रहा है, तो ये हो गया 1/4, जिसका मतलब हो गया कि आपका बनता है 2%, जो कि आई के फॉर्म में हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। क्लियर है जी, 8% पर एनम कंपाउंडली क्वार्टरली। व्हाट इज द कैश प्राइस, कैश प्राइस निकालना मैंने आपको सिखा दिया है कि आप किस तरीके से कैश प्राइस अपना निकाल सकते हैं, इसका अपना फॉर्मूला जरूर लिखिए बच्चे, हर स्टेप के मार्क्स हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू आप निकालने जा रहे हो तो आपके पास में आर होगा 1 माइनस 1 प्लस आपका आई रेज टू पावर माइनस एन अपॉन आई दिस वन, ये होगा क्लियर है। और कैश प्राइस के लिए प्लस आपको ये डाउन पेमेंट 5,000 भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो आपने किस्त का भुगतान किया है उस समय से इंटरेस्ट एक्सक्लूड करके आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और 5,000 रुपए जो पे करा प्लस में वो भी तो उसकी वैल्यू थी, तो कुल मिलाकर के अगर कैश में लेते तो कितने का आपको पड़ता। तो सॉल्व करेंगे आप इसको, पी इक्वल्स टू आर, आर की वैल्यू क्या आपके पास में 200 है, और 1 माइनस आपके पास में 1.02 रेस टू पावर माइनस 16 हो जाएगा ये, क्योंकि एक साल में 4 बार जा रहा है, 4 साल में 16 बार चला जाएगा, और अपॉन 0.02 हो गया आपका ये, और प्लस आपका 5,000 हो गया। तो आप सॉल्व करेंगे 1.02 डिवाइडेड बाय 16 है, तो आपको 18 बार चलना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये आपके पास पे क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 200 रुपीज, 200 रुपीज ब्रैकेट 1 माइनस ये आपका 0.7284, क्लियर है, और आपका आएगा अपॉन में 0.02, क्लियर है। प्रिंसिपल इक्वल्स टू 200, क्लियर है। सॉल्व करेंगे आप, 1 माइनस 0.02
7284 0.02, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 13.58 प्लस 5000 इंटू 200 प्लस 5000, तो 7716 रुपए आप कैश देकर के इस चीज को ले सकते थे। क्लियर है, बात समझे? तो इसको अगर आप डाउन पेमेंट कर देते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक पार्ट और है, ये तो आपको आता ही है, ये पुरानी बात हो चुकी है। अब दिख तो रहा होगा, हाँ जी, सेम क्वेश्चन, आप परचेज अ टेलीविजन द पेइंग द 5000 रुपीज डाउन एंड प्रोमिसिंग टू पे द 200 रुपीज एवरी 3 मंथ फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, द सेलर चार्ज इंटरेस्ट एट 8% पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली, इफ ए मिस्ड द फर्स्ट 3 पेमेंट व्हाट मस्ट ही पे एट द टाइम ऑफ द 4th पेमेंट इज ड्यू टू ब्रिंग हिम अप टू डेट। जरा इस सवाल को आप सॉल्व करें, देखो जरा इसको पहले एक बार आप, सेकंड क्वेश्चन क्या है जरा आप मुझे सेकंड क्वेश्चन बताएंगे अब इसका क्या है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा कि भैया सबसे पहले मैं आपके पास सामान खरीदने गया, टेलीविजन 5000 रुपए डाउन पेमेंट करा और आपको मैंने वादा किया कि मैं आपको 200 रुपए हर क्वार्टरली पे करूंगा और ऐसा 4 साल तक मैं पे करूंगा, ऐसा प्रॉमिस मैंने आपको करा। और हुआ क्या कि 5000 डाउन पेमेंट करके सामान तो ले आया, लेकिन मैंने पहले 3 इंस्टॉलमेंट मिस कर दी, मैंने दिया इन 200 रुपए। क्लियर है, तो 4th इंस्टॉलमेंट में कितना पे करूं, 4th इंस्टॉलमेंट में मुझे कितना पे करना चाहिए, सवाल यह है। क्लियर है, तो आप ये बताइए जरा कि एक ऐसा ही सवाल हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी से पहले हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी पढ़ा था कि बैंक में हर बार मैं इतने इतने पैसे जमा करवाता हूं और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो इतने समय के बाद मेरे बैंक में कितना पैसा हो जाएगा, याद आया आपको? नहीं आया याद? आपको याद होगा प्रेजेंट वैल्यू हमने कैसे निकाला था उस केस में, फ्यूचर वैल्यू हमने किस तरीके से निकाला था, मतलब कि एस कैसे निकाला था हमने, आर ब्रैकेट 1+i रेस टू पावर एन -1 यहां था और अपॉन आई, ये क्या था हमने, याद है आपको कि बैंक में मैं हर बार 200 रुपए जमा करवाता हूं और मैं ऐसा 3 बार मिस करके 4th बार मैं जमा करवा रहा हूं, मतलब सवाल ऐसा बना लो कि बैंक में मैं हर बार 200 रुपए कुल मिलाकर के 4 बार, क्योंकि 3 बार मिस हुआ तो 4th बार मैं जाके जमा करवा रहा हूँ, तो 200 रुपए 4 बार मैं बैंक में जमा करता हूँ, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मिलता है, तो उस हिसाब से कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो मेरा आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, आई इक्वल्स टू 0.02 हो गया। क्लियर है, तो मुझे 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देता है एक क्वार्टर का। क्लियर है, और हर क्वार्टर में जाकर के मैं बैंक में क्या करता हूं, 200 रुपए जमा करता हूं, तो 4 इंस्टॉलमेंट के बाद वो मेरा पैसा बैंक में कितना हो जाएगा, सवाल यही है ना। तो उसी तरीके से जिससे हमने अपना सामान लिया उसका 200 रुपए मुझे पे करना था, मैंने तो भैया उसको दिया नहीं, मिस कर दिया, तो मुझे इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, कि बैंक इंटरेस्ट, तो उसके लिए ऐसा मैं बैंक हो गया ना कि मुझे इस 200 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट 200 के इंस्टॉलमेंट पे भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्स्ट 200 पे तो मुझे इसका 3 साल का देना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट 200 पे देना पड़ेगा, नेक्स्ट 200 पे देना पड़ेगा, तो वही सवाल हो गया, तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गया मेरा। तो S इक्वल्स टू R क्या हो गया, 200 ब्रैकेट 1.02 रेस टू पावर 4 -1 अपॉन 0.02 S इक्वल्स टू 200। तो सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सवाल करते हैं, क्या आपको लॉग से करके दिखाना है, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से आपको करना है, इनटू ये 5 बार होगा, ये पॉजिटिव है ना,
तो आपका 1.08243216 माइनस 1 अपॉन 0.02, तो एस इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, माइनस का क्या करना है 1 करना है, और डिवाइडेड बाय क्या करना है 0.02 करना है, और इनटू क्या करना है 200 करना है। तो ये आपको मुझे इसको 824.3216 इसका मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं चार तीन इंस्टॉलमेंट मिस करके चौथे इंस्टॉलमेंट में जाऊंगा ना, तो कुल मिलाकर के सारा का सारा मुझे इसको 824.3216 मुझे ये उसका भुगतान करना पड़ेगा। वैसे तो मेरा बनता 800 रुपये था अगर मैं इंस्टॉलमेंट ईमानदारी से भरता तो, लेकिन उसके ऊपर ही ब्याज देना पड़ जाएगा ना मुझे, क्योंकि मैंने वो ड्यू कर दिया। ठीक है जी, क्लियर है भाई? समझ में आया या नहीं आया ये फिगर? अब यही है, एम परचेज अ हाउस पेइंग द 5 लाख रुपीज डाउन एंड प्रोमिसिंग टू रेट द 20,000 रुपीज एवरी 3 मंथ फॉर द नेक्स्ट ईयर। द सेलर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 6% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली। व्हाट इज द कैश प्राइस ऑफ हाउस? भैया ये सवाल आपका हो जाना चाहिए, ये सवाल तो जाना चाहिए, सिमिलर क्वेश्चन है। इफ एम मिस्ड द फर्स्ट 12 पेमेंट, व्हाट मस्ट ही पे एट द टाइम ऑफ द 13 इज ड्यू इज द बिंग हिम अप टू डेट। क्लियर है? वो अप टू डेट होने के लिए 13th पे उसको कितना पेमेंट करना चाहिए? हो जाएगा? ये क्वेश्चन अभी बताया ना मैंने आपको, हो जाएगा ना? हो जाएगा तो चलिए पहले ये कर लो, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई ना आपके लिए। ये तो हो जाएगा, ये जरा कर लो आप, है ना? उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन तीनों के बना देता हूं। पहले ये कर लो फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से आएगा। कर लिया जी, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि सवाल ये है कि आपने अपना 20,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट मिस कर दिया, वो भी कितने महीने तक आपने मिस करा। व्हाट इज द सॉरी, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कैश प्राइस निकाल लोगे आप इसका। एक तो आपका 5 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट है विदाउट इंटरेस्ट, तो ये तो इसकी कीमत है ही। प्लस आप यहाँ पर क्या करें, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ ठीक है ना, 20,000 रुपीज 1 माइनस 1 प्लस 6% है ये आपका, तो इसका 1/4 कर दो। 6 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 तो क्या हो जाएगा, 0.015। और ऐसा 10 साल तक, तो 1 साल में 4 बार, तो मतलब कि 40 साल तक। और अपॉन अगर आप सॉल्व करते हैं इसको, तो आपका क्या रहता है, ये 0.015। ये सॉल्व कर लोगे आप, क्लियर है? इस क्वेश्चन को, बात इस क्वेश्चन की थी। तो वही है कि भैया मुझे हर बार आपको 20,000 रुपये पेमेंट करना था, और इफ आई मिस द फर्स्ट 12 पेमेंट, मैं 12 पेमेंट मिस कर गया, तो 13 महीने में मैं कितना उसको देने जाऊं, जिससे कि बात खत्म हो जाए, पूरा पेमेंट ना हो जाए, बट जो मैंने मिस करा वो कंपनसेट हो जाए। तो ये तो वही बात होगी ना, जब हम बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, जाते हैं जाते हैं, तो बैंक उसका मुझे इंटरेस्ट देता रहेगा ना, उसी प्रकार से जब मैं उसका ड्यू कर रहा हूं पैसा, तो मुझे फिर इस पर भी तो इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। तो ये वही सेम क्वेश्चन हो गया। तो यहां पर आप सबसे पहले इसमें आप अपना फ्यूचर वैल्यू, जैसे आप निकालते हैं एनुटी का, आप वैसे ही निकालेंगे कि आपके पास में फ्यूचर वैल्यू आप एनुटी का कुछ इस तरीके से आप निकालेंगे, एस इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1 प्लस i ब्रैकेट 1 प्लस i रेस टू पावर पॉजिटिव एन माइनस 1 अपॉन i दिस वन।
तो यहां पर आपके पास में 20,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट है और 1 + 0.015 raised to power आपका 13 हो गया एंड माइनस 1 और अपॉन 0.015। सॉल्व कर लोगे जी? क्लियर है? हाँ, दो क्वेश्चन तो हो गए आपके। अब आइए इस क्वेश्चन पे, इसके बाद देखते हैं क्या है आपका, इसको भी पढ़ेंगे, इसको करते हैं। एम परचेज अ हाउस पेइंग द 5 लाख रुपीज डाउन एंड प्रोमिसिंग टू पे द 20,000 रुपीज एवरी 3 मंथ फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। द सेलर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 6% पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली आफ्टर मेकिंग 8 पेमेंट। 8 पेमेंट तो मैंने कर दिया। आफ्टर मेकिंग 8 पेमेंट एम विशेष टू डिस्चार्ज हिज रिमेनिंग। भैया 8 पेमेंट मैंने करा और मैंने बैंक में जाकर मैंने उससे बोल दिया कि भैया आप बता दे लमसम कितना रहता है, देख रहे खत्म करूं, ये मेरे हर क्वार्टर का जो है ना चिक चिक, इससे बचना चाहता हूं, मैं कर्जे से फ्री होना चाहता हूं। 8 महीने तो सॉरी 8 क्वार्टर तक तो उसने स्मूथली अपने 20,000 रुपीज का इंस्टॉलमेंट पे करा है, बट वो चाह रहा है कि वो फ्री हो जाए अब 8 महीने के बाद। क्लियर है? तो उसको और कितना पेमेंट करना चाहिए जिससे कि वो फ्री हो जाएगा? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है बच्चे। चलिए जरा करो इसको। हाँ जी देखो जरा, बच्चे क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन समझ पाए आप? क्वेश्चन ये है कि 20,000 रुपए के तो मैं यहां पर 8 पेमेंट तो मैंने कर दिया। क्लियर है? बेसिकली बात क्या हुई थी कि हर क्वार्टर, चाहे फर्स्ट क्वार्टर हो, सेकंड क्वार्टर हो, थर्ड क्वार्टर हो, इस तरीके से मुझे कितने क्वार्टर था, मुझे 10 साल तक, मतलब कि 1 साल में 4 क्वार्टर आते हैं, 10 साल में 40 क्वार्टर आएंगे, तो 40 क्वार्टर मुझे ये 20,000 रुपए की पेमेंट करनी थी। चुपचाप से मुझे 20,000 रुपए उठा करके दे देना था। सवाल ये है, मुझे 20,000 रुपए उठा करके दे देना था। और ऐसा मैंने कितने क्वार्टर तक करा? ऐसा मैंने जो है 8 पेमेंट, आफ्टर 8 पेमेंट, ऐसा मैंने 8th पेमेंट 8 क्वार्टर तक तो मैंने पे करा। अब मैं ये चाह रहा हूं कि यार 8 क्वार्टर तक मैंने पे कर दिया, कहानी खत्म, पे करा, मैं 9वें अगले नेक्स्ट क्वार्टर मतलब कि 9th क्वार्टर, तो मैं 9वें क्वार्टर में इससे बोलता हूं कि भाई साहब अभी 20,000 रुपए को छोड़ो, अब कितना टोटल बनता है ले देखे, कहानी खत्म करो। तो बात ऐसी नहीं हो सकती है, वो ऐसे नहीं कह सकता है मेरे से ऐसे नहीं कहेगा, अच्छा 20,000 रुपए 40 क्वार्टर की बात हुई थी, आपने 8 क्वार्टर तो आपने यहां पर आप पे कर दिया है ना, 8 क्वार्टर पे कर दिया, तो बचा कितना आपका 32 क्वार्टर, तो 32 क्वार्टर का मतलब हो गया आप अपना जो है 6,40,000 रुपए पे कर दो। क्या ऐसा हो सकता, क्या आप एग्री करेंगे इस चीज को? मैं कहता हूं 8 क्वार्टर आपने पे कर दिया, 40 क्वार्टर की बात हुई थी, बाकी 32 क्वार्टर का आप पे कर दो 20,000 रुपए, बाकी 32 क्वार्टर जो आपके बचे हैं उसके पे कर दो आप 20,000 रुपए के हिसाब से 6,40,000 रुपए, बात खत्म हो जाएगी, आगे पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे अच्छा जब मैं आगे की पेमेंट को अभी ही कर रहा हूं तो फिर मैं इस पे इंटरेस्ट क्यों दूंगा, क्योंकि ये हर क्वार्टर में मैं आपको 20,000 रुपीज पे करूंगा, ये तो इंटरेस्ट से हमने डिसाइड करा था ना, विद इंटरेस्ट जो फर्स्ट क्वार्टर में पे करा उसमें फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट होगा, जो सेकंड क्वार्टर में 20,000 है उसमें 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, जो थर्ड क्वार्टर का 20,000 है उसमें 3 क्वार्टर का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो भाई जब मैं आपको 9th क्वार्टर पे ही पेमेंट करने के लिए रेडी हूं तो मैं क्यों फिर इस पे आगे का इंटरेस्ट दूंगा? बात समझे नहीं समझे? तो कहीं ना कहीं इस सवाल में एक काम कर लेना है, क्या कर लेना है, मैं यहां पर यही कहूंगा कि अब आप जो आपके पास में इंस्टॉलमेंट तो आपके पास में क्या है 20,000 रुपए, ठीक है, क्लियर है? अब 20,000 रुपए अगर आप पहले ही पे करते हैं 20,000 रुपए, तो ये इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्लियर है? प्रेजेंट वैल्यू आप इसकी निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या रहने वाला है, आर इक्वल्स टू आपका 6%, तो वही वाली बात है, 6% आपके पास में 6/4/100, तो 1.5%, और I इक्वल्स टू क्या जाएगा 0.015। क्लियर है? ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर N है ना, N मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि जो मैं 20,000 रुपए आगे
कितने महीने, नौवे महीने की मैं बात करता हूं, तो जो मैं आगे 31 जो मैं 31 क्वार्टर पेमेंट करने वाला था, सॉरी मैं मंथ गलत यूज कर रहा हूं, क्वार्टर वर्ड है, जो मैं आपका 20,000 रुपए जो मैं 31 क्वार्टर तक आपको पे करने वाला था उसकी पेमेंट मैं अभी कर रहा हूं, तो 31 क्वार्टर की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब इंटरेस्ट में से एक्सक्लूड कर लेते हैं, क्लियर है? तो एन इक्वल्स टू क्या आएगा, 31, क्लियर ना? 8 ही की बात होती है ना, आफ्टर 8 पेमेंट, ठीक है? बस अब आपको ये सॉल्व करना है एंड आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और आर आपके पास में क्या है, 20, भाई आप फॉर्मूला रख देना इसमें, ठीक है? इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन अपॉन आई दिस 1, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना, आर आपका कितना है 20,000 रुपीज, जो कि 1 माइनस 1 प्लस 0.015 रेज टू पावर माइनस 31 अपॉन 0.015, क्लियर है जी? बात समझे? कोई डाउट? क्लियर है जी? तो ये किस तरीके से क्या है, ये सवाल समझ में आपको आया ही नहीं आया, बताइए जरा, समझ में आ गया कि हमने यहां पर 31 क्यों लिया? आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो कि 10 ईयर में से प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो 10 ईयर में से प्रैक्टिस कर रहे हो? देखिए फिर से बता देता हूं बच्चे, क्वेश्चन क्या है? सवाल यह है कि मैंने एक टेलीविजन, मैंने एक घर खरीदा, आपसे ही खरीदा है, ठीक है ना? या फिर चलो आपने ही खरीदा, अब जल्दी अच्छे से हिसाब होगा, जब आपको पैसे देने की बारी आती है ना तो आपका दिमाग अच्छे से चलेगा। 5 लाख रुपए आपने तो डाउन पेमेंट कर दिया और आपने मुझसे कहा कि सर बाकी है ना 20,000 रुपीज की जो है इंस्टॉलमेंट हो गई, और आप ऐसा करो 10 साल तक ऐसा मेरे साथ में रखना, हर क्वार्टरली ये इंस्टॉलमेंट आपको जाएगा, जबकि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको फिक्स कर रखा है, मतलब कि मैंने आपसे कहा था भैया घर खरीद रहे हो तो खरीदो, मुझे पूरी पेमेंट दे दो। आपने कहा अभी तो 5 लाख रुपए ही दे पाएंगे, मतलब अभी तो 5 लाख दे ही दो, लेकिन जो बाकी अमाउंट है ना इस पर आपका फिर इंटरेस्ट लगेगा, अगर आप एक समय में धीरे धीरे करके दोगे तो वो आपका इंटरेस्ट 6% लगेगा। तो कहा ठीक है सर, उस हिसाब से हमने एक जो है इक्वल इंस्टॉलमेंट बना लिया 20,000 रुपए का, हर क्वार्टर में 10 साल तक ये प्रोसेस चलेगा, 40 साल का प्रोसेस रहेगा। आप मुझे ईमानदारी से हर क्वार्टर के एंड में 20,000 रुपए पे करते रह गए, और ऐसा आपने 8 क्वार्टर तक पे करा। जब आप 9th क्वार्टर में मैं 20,000 रुपए लेने आपके पास में गया तो आपने मुझसे एक बात कह दी कि सर बात ऐसी है ना कि आप अपना लमसम अमाउंट ले लो और खत्म करो, मेरा पैसा आ गया, वो कहानी खत्म करते हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा ना कि भैया 40 इंस्टॉलमेंट जानी थी जिसमें से 8 दे चुके हो, बाकी 32 के आपको पेमेंट करनी है, तो 32 आप जो है 32 आप 20,000 करके दे दो। आप उससे आप मना करेंगे ना? क्यों मना करेंगे? बोलोगे सर ये 20,000 की इंस्टॉलमेंट 40 इंस्टॉलमेंट थी मैं मानता हूं, लेकिन जब 8 इंस्टॉलमेंट दे दिया तो अब आगे के 20,000 के इंस्टॉलमेंट तो मैं 9वें क्वार्टर में ही दे रहा हूं, तो फिर उस पे जो इंटरेस्ट लग करके जो 20,000 बन रहा है उसमें से इंटरेस्ट हटना चाहिए ना, जब मैं पहले पेमेंट कर रहा हूं तो आपको। तो मतलब कि अब मैं क्या कर रहा हूं कि 8, 9 मतलब कि 40 में से मैं 31 इंस्टॉलमेंट का मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने वही करा कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो था मैंने निकाल लिया, 31 इंस्टॉलमेंट के प्रेजेंट वैल्यू, तो मुझे इतना देना पड़ेगा आपको लमसम, आप मुझे इतना पे करेंगे। If M missed the first 10 payment, what must he pay when the 11th payment is due to discharge his entire? अरे कितना प्यारा सवाल है, क्या कह रहा है भैया? M ने तो भैया 10 payment को miss कर दिया, वो 11वें payment में कितना भरे आपको और पूरे लोन से छुट्टी हो जाए? बात तो तय हो गई, 5 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट घर को कर दिया, बाकी पैसे आप मुझे देंगे लेकिन मैं आपसे 6% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, 10 साल की बात हो चुकी है और हर क्वार्टर में आप 20,000 रुपए मुझे पे करेंगे, डील डन, आपका घर आपके नाम, 5 लाख रुपए मेरे पास, और अब हर क्वार्टर में आप मुझे 20,000 रुपए पे करेंगे, ऐसा आप 10 साल तक करेंगे, आप 40 क्वार्टर मुझे ऐसा पेमेंट करेंगे। बात ये थी, हुआ क्या भैया 10 पेमेंट तो आपने दिया ही नहीं शुरू में, खत्म। अब 11 पेमेंट बड़े जोश से आए,
नहीं दिया तो क्या हुआ, अब सारा पैसा ले लू करे, खत्म करो मेरी कहानी, आज के बाद ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते। 11वें बड़े जोश से सतना पुत्रे कि सब खत्म करो। कैसे खत्म होगा कहानी, सुनो मैं कहूंगा। भाई साहब पहले तो मेरी बात सुन लो अब ध्यान से, ये जो 20,000 रुपए जो है, ये जो हर महीने आपने देने थे, जो आपने मिस करा, और जो आपने मिस करा तो भैया मैं तो इंटरेस्ट के साथ में लूंगा इस पैसे को, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी हुआ या नहीं हुआ? 20,000 रुपए जो आपने मिस करा, तो एक तरीके से अगर मैं बैंक में 20,000 रुपए रखता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता ना, तो मुझे आपसे यही चाहिए, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी हो गया। तो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्या, 1+i मतलब कि 0.015 रेस टू पावर, फ्यूचर वैल्यू में पावर पॉजिटिव होता है 10 पेमेंट मिस करा है, क्लियर है, -1/0.015 क्लियर है जी। तो एक तो इतना अमाउंट बनता है मेरा, क्लियर है ना, आफ्टर 10th के बाद, और 10 पेमेंट, 10 सेलर चार्ज द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 6% पर एनम, और ये 11th की मैं बात करता हूं। तो यहां पर आपके 40 में से मैं जब 11वें पर आ जाऊंगा, पहले बताइए ये चीज आपको क्लियर है या नहीं है? हाँ, 11th पेमेंट में मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, सॉरी 11th पेमेंट में मैं आपको क्लियर कर रहा हूं ना, 11th पेमेंट में हिसाब करने आया ना, 10 मिस कर दिया, 10 सेलर चार्ज इंटरेस्ट 6% पर, 10 पेमेंट तो मिस हो गया, बट विल बी 11th, 11th में क्वार्टर पे आया ना मैं, तो मैं 11th तक का लूंगा ना इस पे इंटरेस्ट। तो 40 में से 11 तो आप माइनस कर दो, इसका तो हिसाब ये है कि ये पेमेंट मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है, बचा 29। तो जो आगे का जो मैं 20,000 रुपए पे करूंगा, तो मैं 20,000 रुपए आगे वाला मैं अभी पे कर रहा हूं, तो उसमें से इंटरेस्ट एक्सक्लूड करना पड़ेगा, मतलब क्या प्रेजेंट वैल्यू पे आना पड़ेगा। तो यहां पर मैं एक काम करूंगा, क्या ये 20,000 रुपीज 1 - 1+0.015 रेस टू पावर -29/0.015, क्लियर है जी, समझे? और ये पैसा मेरा बनता है उसको देना जो मैंने मिस करा, और उस पैसे में से मुझे इंटरेस्ट एक्सक्लूड करना है, क्योंकि मैं 11 महीने में सारी पेमेंट कर रहा हूं, तो ये पेमेंट देने के बाद कहानी खत्म हो जाएगी। मैंने आपको हर एक चीज बता दिया यहां पर, क्लियर है जी, कोई डाउट, समझ गए? तो आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी पहले पढ़ा था ये, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी बाद में पढ़ा था, और दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ सकते बच्चे, क्या छोड़ू बताओ, जो छोड़ूंगा पेपर में वही आ जाएगा, क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछिए।